नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, टोयोटा की सब फोर मीटर एसयूवी का वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है, जिसका नाम है टोयोटा रेज। और सभी को इंडिया में एक्साइटमेंट है कि ये इंडिया में भी लॉन्च होगी और इंडिया में कब लॉन्च होगी। तो अभी तो इसका कोई कन्फर्म नहीं है कि इंडिया में ये कब लॉन्च होगी, क्योंकि इंडिया में टोयोटा अभी तैयारी कर रही है अपनी ब्रेज़ा को लेकर। ब्रेज़ा को लॉन्च करेगी पहले वो, उसका नेम चेंज करके। तो फिर भी अगर आपको एक्साइटमेंट है, आपको जानना है कि टोयोटा रेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, चाहे वो आज लॉन्च हो चाहे कल लॉन्च हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टोयोटा रेज की फ़ीचर्स के बारे में, उसके डायमेंशन के बारे में और उसके इंजन के बारे में। दोस्तों, लास्ट वन टोयोटा की ही एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है डाइहात्सू। डाइहात्सू ने अपनी एक सब फोर मीटर एसयूवी लॉन्च की है, जिसका नेम है डाइहात्सू रॉकी। तो सेम ये डाइहात्सू रॉकी के साइज की और उसका ही डिज़ाइन है, सिर्फ एक फ्रंट ग्रिल चेंज की गई है। तो अभी टोयोटा रेज का ब्रोशर भी लीक हो चुका है, उसी ब्रोशर को लेकर बहुत से फीचर्स इसके सामने आ गए हैं, इसकी डायमेंशन भी सामने आ गई हैं। टोयोटा रेज जो है वो TNGA प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है और डाइहात्सू रॉकी जो है वो DNGA प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है। ये दोनों प्लेटफॉर्म एक जैसे ही हैं, जिनमें आप गाड़ी को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, अपने साइज से उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। तो चलिए बात करते हैं इसके डायमेंशन की। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो ये सब 4 मीटर है, यानी कि 4 मीटर से कम है। लेंथ की बात करें तो 3995 mm इसकी लेंथ है। विड्थ की बात करें तो 1620 mm इसकी विड्थ है और हाइट की बात करें तो 1695 इसकी विड्थ है। व्हील बेस इसका 2525 mm इसका व्हील बेस है। तो चलिए अब फीचर्स की बात करें तो फ्रंट में अगर लिखें तो फ्रंट में आपको एक बड़ी सी ग्रिल मिलेगी, बीच में उसके टोयोटा का लोगो मिल जाएगा आपको, LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और LED ही आपको DRLs मिल जाएंगे, कॉर्निंग लैम्प्स आपको मिलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऐसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम आपको मिल जाएगा, यानी कि पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाएंगे इसमें आपको, पेडेस्ट्रियन डिटेक्टर इसमें होगा। अगर सेफ्टी की बात करें तो डुअल एयरबैग्स इसमें आपको मिल जाएंगे और कर्टन एयरबैग्स मिल जाएंगे, जैसा कि फोर्ड इकोस्पोर्ट में आपको मिल रहे हैं। क्रूज कंट्रोल का फीचर इसमें आपको मिल जाएगा। 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे, मशीन कट अलॉय व्हील्स। रूफ रेल्स मिल जाएंगे, जिससे कि गाड़ी थोड़ी और रग्ड मिलती है। गाड़ी के दोनों तरफ आपको ब्लैक डेकल्स मिलते हैं। 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा विद एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। LED MID आपको मिल जाएगी। तो अभी ब्रोशर जो लीक हो गया है, तो ब्रोशर में और भी कई चीज़ें पता चली हैं हमें, जैसे कि इसमें आपको फोर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाएगा, TRD का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, TRD पैकेज आपको मिल जाएगा, जो कि टोयोटा का स्पोर्टियर पैकेज है, जो कि हर एक SUV में मिलता है, चाहे वो फॉर्चुनर हो। तो चलिए लास्ट में अब बात करते हैं इसमें इंजन की। जो इंटरनेशनल मार्केट में इंजन लॉन्च होगा वो है 1 लीटर 12 वोल्ट टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 98 BHP की पावर देगा। ये मैनुअल और CVT दोनों में लॉन्च होगा। मैनुअल में आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगा और CVT भी लॉन्च होगा। तो दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक लीक हुई है टोयोटा रेज के बारे में। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सारी अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।